हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ में एक और यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि लौकी और एग से मिलकर प्रिपेयर की है मैंने। सो जो लोग कहते हैं कि आई हेट लौकी, अब वो लोग भी आपसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100-100 कटोरी खाने के बाद भी आपसे बार बार इसे मांग कर खाएंगे, और गेस्ट वो तो आपसे बिना रेसिपी लिए कहीं भी नहीं जाएंगे। सो ऐसी ही यूनिक रेसिपीज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ग्रेवी के लिए एक पैन में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, और उसमें ऐड कर दूँगी 2-3 मीडियम साइज के टमाटोज, 1-2 ऑनियन और गार्लिक, एंड साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4-5 होल रेड चिली, एंड साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 जिंजर के पीसेस, और इसे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लूंगी जब तक कि इसके पील ऑफ ना होने लगे। और जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे ठंडा होने तक का इसका वेट करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पील अच्छे तरीके से रिमूव होने लगा है, तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं इसे एक जार में इसे ग्राइंड कर लूँगी नमक, ज़ीरा और थोड़े से बे लीफ के साथ। देन उसके बाद सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ आफ्टर वॉश लौकी को हम उसे हाफ कट कर लेंगे, एंड उसे छोटे छोटे पीसेस में आप उसे चॉप्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लौकी के कितने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। एंड देन एक प्रेशर कुकर में चॉप्ड की हुई लौकी के पीसेस को और नमक और हल्दी ऐड करने के बाद उसे 2 विसल आने तक का कुक कर लेंगे। देन लौकी को ठंडा कर लेंगे और आप उसका वेट करेंगे उसे ठंडा होने के लिए। सो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, एंड साथ ही मैं नमक और हल्दी ऐड कर दिए, जिससे कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। देन लौकी को अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद आप इसे एक बाउल में ले लेंगे और उसे मैशर या स्पैचुले की हेल्प से अच्छे तरीके से प्रॉपर मैश कर लेंगे। सो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मैश कर लूँगी, और मैश करने के बाद ये जब प्रॉपर मैश हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा एज अ प्यूरी। तो अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि इस रेसिपी को कंप्लीट करेगा। एंड चलिए फिर, सो एक बाउल में 5-6 एग्स ले लेंगे, एंड देन उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 2 पिंच सॉल्ट एंड 2-3 करी लीव्स। एंड प्लीज आप इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो बिल्कुल मत भूलिएगा, आप इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून गार्लिक, यानी कि गार्लिक पेस्ट। सो यहाँ पर मैंने गार्लिक पेस्ट को इसमें ज़रूर ऐड कर लेंगे आप, जिससे कि लोग बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाएंगे कि वो एग खा रहे हैं या फिर पनीर खा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं भी बिल्कुल भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था जब मैंने इस रेसिपी को बनाने के बाद ट्राई किया एंड मैंने इसे खाया, तो मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं पनीर खा रही हूँ या फिर एग खा रही हूँ। सो इसे अच्छे तरीके से एक फॉर्क की हेल्प से या विस्क कर लेंगे, देन आप इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, और आप इसे जितनी अच्छी तरीके से बीट करेंगे ये उतना ही फ्लफी बनकर रेडी होगा। एंड इसे आप एक माउल्ड में कर लेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसे अच्छे तरीके से बीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रेसिपी का। तो यहाँ पर देन प्लीज़ इग्नोर द मैसी कढ़ाई, इसे मैं बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर इसमें आप पानी ऐड कर देंगे एंड उसमें बीट हुए के माउल्ड को स्टीम होने के लिए रख देंगे कुछ इस तरीके से, एंड देन आप उसे लीड से कवर कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से बॉयल होने तक, स्टीम होने तक आप इसको वेट करेंगे जब तक ये प्रॉपर कुक ना हो जाए। सो यहाँ पर आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आप एक नाइफ की हेल्प से चेक करके देखिएगा कि परफेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, और उसकी आइडेंटिफाई यानी कि पहचान तो यही है कि नाइफ जब आप डिप करेंगे वो बिल्कुल एज इट इज क्लीन बाहर आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी मैं इसे चेक करने वाली हूँ, तो जैसे ही मैंने नाइफ को इसके अंदर डिप किया ये बिल्कुल खाली एकदम बिल्कुल क्लीन आया। एंड उसके बाद
यस। इसी स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नाइफ की हेल्प से इसे पनीर की शक्ल में पीसेस कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा देखने के में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी हैं एंड परफेक्ट कुक्ड है और देखने में पता ही नहीं चल रहा है कि ये पनीर है, ये एग से बनाया हुआ पनीर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने सारे पीसेस जो हैं कितने ज़्यादा प्यारे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज आप एक पैन में 3-4 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेंगे। देन उसके बाद एक मीडियम साइज के ऑनियन को फाइनली चॉप्ड करके इसे ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने जितनी भी अनियन है वो ऐड कर दी और इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे कुक कर लूँगी। नेक्स्ट 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला बे लीफ के साथ आप इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से सॉटे करेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करना है एंड इसे थोड़ी ही देर के लिए सॉटे करना है जब तक कि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जो हमने बिगनिंग में टमाटोज और ऑनियन से पेस्ट रेडी किया था वो इसमें आप इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। एंड देन आप देख सकते हैं इसे करने के बाद जो इसका ऑयल है वो अभी भी सेपरेट है क्योंकि अभी अच्छी तरीके से बिल्कुल भी कुक नहीं हुआ है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स की कुकिंग के बाद आप इस स्टेज पर अब आप इसमें मैश किए हुए लौकी के पीसेस को ऐड कर देंगे, यानी कि लौकी जो अभी हमने मैश करके रखी थी वो आप इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट्स के लिए आप इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसे कुक होने देंगे लिड से कवर करके एंड इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन इसी स्टेप पर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे जितने भी बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, जैसा कि आप चाहें इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे एंड इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और आप देखेंगे जब इसका जब कुक हो जाएगी ना तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी तरीके बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब यहाँ पर हम एक नॉन स्टिक तवा पर लिटिल बिट ऑयल ग्रीस कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। देन पनीर के पीसेस यानी सॉरी से बने हुए पनीर के पीसेस को उसके ऊपर अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए अच्छे तरीके से सॉटे कर लेंगे। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप इसे जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। देन आप देखेंगे कि जब ग्रेवी ऑयल अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाएगा, ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे सांभर मसाला। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सांभर मसाला ऐड कर दिया है। सो यहाँ पर इसमें मैंने ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड आप इसके अंदर सांभर मसाला ज़रूर ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर रेडी है हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरीके से, हम इसे मिक्स कर देंगे और ग्रेवी बनके बिल्कुल जब रेडी हो जाए तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ऑयल सेपरेट कर देगी और जो इसका कलर है वो तो चेंज होता ही रहेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ग्रेवी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे 5-10 मिनट्स के लिए इसे अच्छी तरीके से लिड से कवर करके इसे कुक होने देंगे। देन जब ग्रेवी इसमें रेडी हो जाए तो आप इसके अंदर पनीर
यानी कि जो एग से बने हुए पनीर के पीसेस है वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद आप देखेंगे ये कितनी ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग और डिलीशियस लग रही है रेसिपी देखने में, एंड खाने में भी उतनी ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं अभी ऐड कर दूँगी गार्निशिंग के लिए 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, एंड साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 to 3 करी लीव्स। और ये चाहे तो ऑप्शनल है, अगर आपके पास करी लीव्स ना हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कोरिएंडर लीव्स। सो यहाँ पर अभी मेरे पास कोरिएंडर लीव्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, सो यहाँ पर मैं कसूरी मेथी का यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी मेथी हो या चिकन हो, सॉरी पनीर हो या चिकन हो, उसके अंदर जो कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ग्रेवीज में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत डिलीशियस लगता है। सो यहाँ पर ये बनकर बिल्कुल रेडी है। सो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? हमें तो ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड आई होप ये रेसिपी जब आप बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएंगे और गेस्ट को खिलाएंगे तो यकीन माने आप सब आपकी तारीफ करेंगे और ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप पनीर खा रहे हैं या फिर एग खा रहे हैं। सो यहाँ पर इस रेसिपीज़ को आप बनाइए और ट्राई करिए अपनी फैमिली के साथ और इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।